तलब की आसे ओरा सॉरी गोला सॉरी बोनी ओरा काई की सॉरी बोनी हैं काई की सॉरी बोनी काई की सॉरी बोनी गाडर तलब की आसे करो सॉरी ओ आ जदी से केठी रखबो सेटर तलब बाहर करबे तलब बाहर करियो ने डर घर उदळा कोई तो आधार कार्ड देखे देनी हमड़ी की छिड़े बंदे ना देख you in my sight I keep all the words you said to me I get you on your knees rewrite all the things you said that I should be I'll get you now you'll beg me so guys after a long time aaj main apne aap par ji leke ja raha hu तो बहुत टाइम हो गया इसको चलाते हुए और शायद जब से मैं आया हूँ इस पर ब्लॉग नहीं बनाया अभी कौ किसो को तुलो हां किसो को तुलो एती किसोडा हां हैं एटा कौन हैं इडा अरे किसो रंग देखाओ जी हैं कैमरा रंग को ओ पचार तू जे पुनी एटा किसोडा हैं पाठ साठ तो नहीं देखा दे उडा कौन हैं कौन उडा कौन उडा एडा हैं अरे दूर से गाड़ी चलने उड़ा बिंदी ना तो हाँ चला है उधर मुंह चला है नहीं मुंह कतल चले जी हैं गाड़ी आज कहीं उधर हाँ किस हाँ तो काफी टाइम के बाद आज मैं अपना बाइक चला रहा हूँ अब द कैमरा ऑन द कैमरा मैंने R15 को बहुत बार चला चुका हूँ कह सकते हो एक हफ्ते में मैंने शायद 1000 किलोमीटर कर लिया उस पर तो ऑन द कैमरा जो भी शूट किया है वो आप देख चुके होंगे बाकी ऑफ द कैमरा मैंने उसको और भी चलाया है तो फिलहाल आज की बात करते हैं आज मैं जा रहा हूँ मतलब एक अच्छी खासी जगह घूमने के लिए जा रहा हूँ सो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घर से लेके आया था मेरा अपाची और यहाँ पे चेंज हो चुका है क्लासिक 350 में तो एग्जैक्टली हुआ है कि मेरा गाड़ी थोड़ा सा ख़राब है जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो उसको रहने देते हैं इसको ले लेते हैं बहुत दिन हो गया इसको भी नहीं चलाया था गाइस आज हम जा रहे हैं चावड़ो बोझा वाटरफॉल जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग है मतलब मान लो मेरे घर से अगर हिसाब करता हूँ तो ये 55 या 56 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ आज मेरे साथ संजीव है तो रूट हमें भी नहीं पता क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं आज गूगल मैप फॉलो करके जाना पड़ेगा बस इतना पता है कि डुकुरा से लेफ्ट लेना है और डुकुरा पहुंचने तक हम थोड़ा गाड़ी को तेज भगाते हैं क्योंकि अभी बज चुके हैं दिन के 1 और हम हो चुके थोड़ा सा लेट तो दैट रीज़न गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड भगाना पड़ेगा ताकि हम टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाए और अच्छा खासा एक ब्लॉग शूट कर पाए तो डुकुरा भी पहुँच चुके हैं और यहीं से कहीं पर लेफ्ट लेना है हमको गूगल मैप फॉलो करके हम चल रहे हैं ये डुकरा का मेन मार्केट है और यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है बस ढूंढ रहा हूँ कौन सा रास्ता है और राइट जाते हो तो आप मानिंत्री पहुँच जाओगे शायद ये वाला रास्ता इटा तो यही रोड है और यहाँ से बारीपदा लगभग 20 किलोमीटर है अगर आप उस तरफ जाते हो और सामने जाते हो तो आप जाओगे चावड़ो बोझा वाटरफॉल तो गाइस ये बिल्कुल लोकल रोड है और छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर जो परछाई के नीचे तलब की आसे ओरा सॉरी गोला सॉरी बोनी ओरा काई की सॉरी बोनी हैं काई की सॉरी बोनी काई की सॉरी बोनी गाडर तलब की आसे करो सॉरी ओ आ जदी से केठी रखबो सेटर तलब बाहर करबे तलब बाहर करियो ने डर के बाहर करियो हैं नहीं एड कत बाट इठो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर हां 3 किलोमीटर आम सर जण चलो ना 100 टका दबो 100 ए किसो आमे फॉरेन लो आस्ते ना गणो फॉरेन लो कोन हैं फॉरेन लो आस्ते ना 100 टका मांगता हूं 200 टका दे दे थांती ए पूरा पहुंचाई देबा
हाँ पूरा पहुंचे तो फॉरेन लो आस्ते में 200 टका दे था दी भाई सेठ गाड़ी रोकते सुविधा अच्छी ना सेठी अगर अच्छी ना ना सेठी पैसा मांगी बंद तो ए लोकल आसी की सब बड़े पैसा दो ना ए हे सब गांव रही रो 20 टका लेखा मांगी ना तो हम पैसा सर जीवो खाई तो पैसा नहीं मांगी बंद तो मकर पर मकर जाए तो लुक आस आसवेन मगुच ठीक अच्छे गोटे जगार निवटी भी नौ गोटे आम लोकाल लोक कि रखु आम बाहर आसने हाँ ठीक अच्छे पैसा देदेव एत बाट पैसा खर्च कर एटा गाड़ी कटक भुवनेश्वर भुवनेश्वर कटक गाड़ी आम घर कौट कटक 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 मान भुवनेश्वर पर कटक से भुवनेश्वर पाखर शोरूम टा कि कटक आम घर उदला विश्वास घर उदला कह तो आधार कार्ड देखे विश्वास हो देखी देख ए भाई तुम्हें नंबर टा देख लो ना तुमको विश्वास देख देख कप्तिवदा कप्तिवदा मर ना ना देख मु मन कर देख हो चल ले खुशी लगे कथा हो चलु संस्था चलु चलो खोल के नहीं जुए ना तेल मूल रु नाऊ तेल गाड़ी की ने ना ना गाड़ी हम एफ आई इंजिन परा एफ आई इंजिन शोरूम वाले निजे खोली पार ना टांकी पाइप पूरे की टाणी खुलती तो भाई जैसे कि आपने देखा ये लोग थोड़ा सा पैसा लेते हैं आपसे क्योंकि उनको भी पता है अभी टूरिस्ट प्लेस है तो लोग आते रहेंगे और गांव वाले जो है वो मिलके पैसा ले रहे हैं और यहाँ से और भी 2-3 किलोमीटर है तो और भी आगे जाना पड़ेगा और साथ में अगर आप फोर व्हीलर लेके आते हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर एक्सयूवी लेके आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कोई कार वगैरह लेके आते हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जो रास्ता आपने पीछे देखा तो गाइस देख सकते हो कैसा रास्ता है मतलब यहाँ पे कार लेके आना मुश्किल है बाइक पे आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो इस गेट के बारे में मैं बात कर रहा था तो यहाँ से हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा से फिर बाइक यहाँ पे रुक गया हेलमेट बस रखना है रख दो भाई तो गाइस अभी चल के जाना पड़ रहा है तो यहाँ से सुना था बहुत दूर है सुना नहीं था मतलब वीडियो में भी देखा था और कुछ दोस्त जो पहले से भी आ चुके थे उनसे सुना था बाकी अभी से सांस चढ़ने लगा है और भी यहाँ से ऊपर जाना है पहाड़ के ऊपर जहाँ पे वाटरफॉल है तो चलते हैं चल के और तुझे पता है ये जगह मुझे कैसा फील हो रहा है माचकांदना बिल्कुल ऐसे ही रास्ता है जंगल के बीच मतलब ये छोटा सा रास्ता वो भी इन गलियों में पेड़ पौधे के गलियों में बिना अनुमति रे कोर एरिया भीतर को प्रवेश आईनगत दंडनीय अपराध यहाँ पे तो हम आ गए लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है वो हमें पता नहीं आई थिंक हुसर अभी ऐसा है कि ये सारे चीज़ें जो हम पकड़ के घूम रहे हैं तो इसको देख के कोई बोलेगा कि हम लोकल्स लोग हैं
पापा तो बोलेंगे कि आप तो बाहर से आए हो, आपको पैसा दे के ही जाना पड़ेगा और ये मत करो वो मत करो। चाहे आप यहाँ से 20 किलोमीटर से आए हो या 200 किलोमीटर, अभी आप टूरिस्ट हो तो आपको रूल्स वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है और भी बहुत दूर है। बिना अनुमति रे प्रवेश आईनगत अपराध। तो हम तो परमिशन लेके आए ना, पैसा देख के परमिशन लेके सब कुछ करके आए है। मूसा कत बाट ए सब तो कहते बेस बाट तुम अल्प बाट कौन कहल मूसा आम कौन जग्रत कर जैसे कि गाइस ये देख सकते हो ये मार्कर है, मतलब आपको रूट दिखाया जा रहा है। और ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे चढ़ के जाना पड़ेगा। चलो पहले तुम हैं कैसा लग रहा है? हवा टाइट होने वाला है आज। पानी कितना क्लियर है आप देख लो। यहाँ पे भी आपको निशा नहीं मिल जाता है किस ओर जाना है। और ये देख सकते हो क्या है, चलते चलते बिल्कुल पैर दुखने लगे हैं। चल 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 जल्दी। Say you're sorry.
आज यहाँ पे भी और एक ब्लॉगर है, देख सकते हो भाई साहब आज से ब्लॉगिंग शुरू कर रहा है नुआ भाई, प्लीज प्रमोशन कर रहा हूँ, पैसा दे देना बाद में, अभी के लिए प्रमोशन कर रहा हूँ। भाई को सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को नहीं 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 तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा सिनेमेटिक या जो भी शॉट लेना है लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी बज चुके दिन के 3:30 और उसके बाद हम यहाँ अगर रुकेंगे तो हमारा पिकनिक हो जाएगा, आपको पता है। तो इस वजह से जल्दी से घूमते हैं और यहाँ से निकलते हैं, अभी इतना दूर चल के आए हैं तो फिर चल के कष्ट करके जाना ही पड़ेगा। फॉर दैट रीजन अगर गाइज आप मुझे ये पूछोगे ना क्या मैं आपको इस जगह सजेस्ट करूँगा पिकनिक के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप घूमने के लिए भी आते हो ना, अगर आपको माउंट ट्रैक पसंद है या माउंटेन पे चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, ये सारी चीज़ पसंद है तो आप आ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल मत आओ, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर हमको चल के आना पड़ा और इतना दूर चल के आने के बाद जो फील हो रहा है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो जगह है वो मतलब आपके दिल को छू जाएगा। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? ना रे भाई मतलब ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, आप सोच रहे थे क्या और हुआ क्या? जो भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छे अच्छे शॉट हमने लिए हैं। तो अभी वापस चलते हैं, हेलमेट इसीलिए पहना जा रहा है क्योंकि आते वक्त आप ऊपर चढ़ के आए और जाते वक्त नीचे जाएंगे तो। और ड्रोन शॉट लेने की भी कोशिश किया था मैंने, लेकिन जैसे कि आपको पता है जंगल के अंदर GPS नहीं आता तो अंदर तो नहीं हो पाया। जाते वक्त कोशिश करूँगा कि बाहर जो जंगल है मतलब जो पहाड़ है उसका अगर व्यू कैप्चर हो सके तो वो ट्राई करूँगा। और अभी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शाम हो चुका है, क्योंकि मतलब पेड़ पौधों के वजह से परछाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन टाइम भी हो रहा है तो और आधे घंटे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जब भी आते हो ना हमारे तरह लेट करके मत आना, जल्दी आना ताकि आप जल्दी वापस जा सके, वरना जंगल के अंदर क्या होता है तो आपको पता है। और ये जो जंगल है सिमिड़पाल जंगल है, कहीं और नहीं। और सिमिड़पाल क्यों फेमस है वो भी आपको पता है, मुझे बताना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं जानते तो टाइगर के वजह से फेमस है। सो अब बात समझ चुके होंगे, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। बाकी हालत जो है ख़राब होता जा रहा है और नहीं हो सकेगा हमसे। पिकनिक आप कर सकते हैं, मतलब पहले मैंने सोचा था यहाँ पे पानी नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद वहाँ पे जो झरना का पानी है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप चाहे भी तो पिकनिक के लिए आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि रास्ता आपने पहले से ही देख लिया होगा, तो उस रास्ते पे थोड़ा चल के आना मुश्किल होगा। आपका मन करता है तो आ जाइए, वरना हम तो आके अभी वापस जा रहे हैं। सो गाइस जाने से पहले बस यही कहूँगा कि हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ नए प्लान के और कुछ नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइस। बस यो हाथ रे कानो कामडी वन तो मेटू 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 बड़ा फोटो ने सेटर ने मेटू थोड़ा बोल दे बाय बाय टाटा डू सब्सक्राइब डू लाइक हिट लाइक डू लाइक अरे ओ नहीं जान दो मिनट हम पकड़ मुड़ी की छिड़े गुंडे ना जाके बस ला बस ला बस ला बस क्यूट था।